10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धर जिनके शक्ति के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। पौराणिक काल में धनुर्धर तो बहुत हुए थे, लेकिन एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसे देखकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी भयभीत हो गए थे। एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने बाणों से समुद्र को भी सुखा देता था, और एक ऐसा भी धनुर्धर था जो क्षण भर में पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता था। सबके पास थे एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ ही होता है। कौन थे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? क्या अर्जुन सर्वश्रेष्ठ थे? नहीं। क्या कर्ण सर्वश्रेष्ठ थे? नहीं। आप जितना भी सोच लो अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कौन थे पौराणिक काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। उसका जैसा धनुर्धर आज तक ना ही कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। चलिए जानते हैं प्राचीन भारत के 10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धरों के बारे में। पहले सबसे कमजोर योद्धा से शुरू करेंगे और इसके बाद सबसे शक्तिशाली धनुर्धर के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। नंबर 10 पर है द्रोणाचार्य। जब महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर रहे थे, तब द्रोणाचार्य उनके पास पहुंचते हैं और उनसे संपूर्ण दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उन्होंने ही कौरव और पांडवों को शस्त्र चलाना सिखाया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म के बाद द्रोण कौरवों के सेनापति बने थे। उन्होंने अपने रणनीति से पांडवों का भारी विध्वंस किया था। युद्ध के दौरान द्रोण ने जो चक्रव्यूह बनाया था उसमें फंसकर ही वीर अभिमन्यु मारे गए थे। जब तक उनके हाथ में शस्त्र था उन्हें परास्त करना असंभव था, इसलिए पांडव छल से उनको मारने के लिए विवश हो गए थे। नंबर 9 पर है अर्जुन। गुरु द्रोण के दृष्टि में अर्जुन थे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को अपने सारे अस्त्रों का ज्ञान दिया था। अर्जुन के धनुष के टंकार से ही दुश्मन अधमरे से हो जाते थे। अर्जुन के पास देवताओं के सारे दिव्य अस्त्र थे, यहाँ तक कि महादेव को प्रसन्न करके अर्जुन ने पाशुपतास्त्र तक प्राप्त कर लिया था। अर्जुन दोनों हाथों से बाण चला सकते थे, इसलिए उन्हें सव्यसाची कहा जाता था। द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण को छोड़कर सभी धनुर्धर जहाँ विफल हो गए थे, वहाँ अर्जुन ने बहुत ही आसानी से लक्ष्य को भेद दिया था। खांडव वन में अर्जुन ने देवराज इंद्र तक को परास्त कर दिया था। जिन निवाद कवच राक्षसों को रावण भी हरा नहीं पाया था, उन्हें अर्जुन ने परास्त कर दिया था। नंबर 8 पर है भीष्म। भीष्म गंगा माता के पुत्र थे। उनका गुरु स्वयं भगवान परशुराम था। एक बार तो अपने गुरु परशुराम के साथ ही भीष्म का युद्ध हो गया था। युद्ध में भीष्म और परशुराम जी एक दूसरे पर महाविनाशकारी अस्त्र शस्त्र चला रहे थे, लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। आखिर में इस युद्ध को रोकने के लिए देवताओं को आना पड़ा था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ था, तब पितामह भीष्म कौरव के प्रथम सेनापति बने थे। भीष्म के बाणों के आगे पांडव पक्ष के कोई भी योद्धा टिक नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में शस्त्र ना उठाने का प्रण लिया था, लेकिन भीष्म ने अपने पराक्रम से श्री कृष्ण को अपने प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाने के लिए विवश कर दिया था। भीष्म को नियम अनुसार युद्ध करके परास्त करना असंभव था, इसलिए शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने भीष्म को शरशैया पर सुला दिया था। नंबर 7 पर है एकलव्य। एकलव्य महाभारत काल के एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे। जब द्रोण के पास एकलव्य शिक्षा के लिए गए थे, तब द्रोण ने उन्हें शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद द्रोण को गुरु मानकर एकलव्य वन में धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। जब कौरव और पांडवों में से किसी को भी शब्दभेदी बाण चलाना नहीं आता था, तब एकलव्य अपने अभ्यास से ही शब्दभेदी बाण चलाना सीख गए थे। उनके धनुर्विद्या को देखकर अर्जुन को भी लगने लगा था कि एकलव्य ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। लेकिन एक समय गुरु दक्षिणा के नाम पर द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था। इसके बाद अंगूठे के बिना एकलव्य बाण चलाना सीख गए थे। दोस्तों, मॉडर्न आर्चरी में अंगूठे के बिना ही बाकी उंगलियों से बाण चलाया जाता है। इसका आविष्कार सबसे पहले एकलव्य ने ही किया था। एकलव्य इतने शक्तिशाली थे कि भगवान श्री कृष्ण को एकलव्य का वध करना पड़ा था। एकलव्य के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अगर एकलव्य का अंगूठा ना कटा होता तो एकलव्य दूसरा परशुराम बनकर जंगल में घूमता रहता। तब दानव राक्षस नाग देवता कोई भी उसको परास्त नहीं कर पाता। कोई मनुष्य तो उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पाता। भगवान श्री कृष्ण ने जिस धनुर्धर की तुलना भगवान परशुराम से किया था, वो कितने शक्तिशाली थे वो आप सोच ही सकते हैं। नंबर 6 पर है बर्बरी। बर्बरी घटोत्कच के पुत्र थे। उनके पास ऐसे 3 बाण थे जिसके सहारे वो पल भर में कुरुक्षेत्र के युद्ध को खत्म कर सकते थे। बर्बरी के 3 बाणों के बारे में जानकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित हो गए थे, जिसके कारण उन्होंने दान में बर्बरी का शीश मांग लिया था। इसके बाद से खाटू श्याम के नाम से इस धरती पर बर्बरी की पूजा होती है। नंबर 5 पर है मेघनाथ। रावण के पुत्र मेघनाथ महावीर थे। अपने पराक्रम से उसने देवताओं को परास्त करके इंद्र को बंदी बना लिया था।
जिसके चलते उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। उसके पास ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पाशुपतास्त्र, इन तीनों अस्त्रों का ज्ञान था। लक्ष्मण जी के साथ युद्ध के दौरान उसने लक्ष्मण जी पर ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पाशुपतास्त्र चलाया था। लक्ष्मण जी के सामने ब्रह्मास्त्र निस्तेज हो गया था। वैष्णवास्त्र और पाशुपतास्त्र लक्ष्मण जी को प्रणाम करके लौट गया था, लेकिन युद्ध के दौरान एक समय उसने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। अपने नागपाश से मेघनाथ ने भगवान श्रीराम और लक्ष्मण जी को जकड़ लिया था। मेघनाथ ही रामायण काल के एकमात्र योद्धा है जिसे अति महारथी कहा गया है। नंबर 4 पर है कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत काल के एक ऐसे योद्धा थे जिनके पास ऐसे दिव्य कवच और कुंडल थे जिसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। इसलिए युद्ध से पहले देवराज इंद्र ने छल से कर्ण का कवच और कुंडल छीन लिया था, लेकिन कवच कुंडल के बिना भी कर्ण महाशक्तिशाली थे। अंतिम युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ था, तब कर्ण ने 11 बार अर्जुन के गांडीव धनुष के प्रत्यंचा को काट डाला था। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को कर्ण ने साधारण बाणों से ही काट डाला था। इस युद्ध के दौरान कर्ण ने अपने सर्पमुख बाण से अर्जुन को लगभग मार ही डाला था। अगर भगवान श्री कृष्ण तब अर्जुन की रक्षा न करते तो अर्जुन कर्ण के हाथों जरूर मारे जाते। जब तक कर्ण के हाथ में शस्त्र था, तब तक कर्ण को किसी तरह परास्त नहीं किया जा सकता था। इसलिए जब कर्ण निशस्त्र थे, तब अर्जुन को छल से कर्ण का वध करना पड़ा था। नंबर 3 पर है लक्ष्मण जी। शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी महापराक्रमी थे। उनके रेखा में ही इतनी शक्ति थी कि रावण भी उसे पार नहीं कर सकता था। शास्त्रों के अनुसार वो एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे। रावण के महाबलशाली पुत्र इंद्र को परास्त करने वाले इंद्रजीत का वध वही कर सकते थे जिसने 14 साल तक सोया ना हो, जिसने 14 वर्ष तक किसी स्त्री का मुख ना देखा हो, जिसने 14 साल तक भोजन ना किया हो। वो और कोई नहीं लक्ष्मण जी ही थे, और उन्होंने ही मेघनाथ का वध किया था। रावण के शक्तिशाली पुत्र अतिकाय का वध भी लक्ष्मण जी ने ही किया था। युद्ध के दौरान एक बार लक्ष्मण जी ने रावण को मूर्छित तक कर दिया था। नंबर 2 पर है भगवान श्री राम। भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम महावीर श्रीराम के शक्ति का कोई अंत नहीं था। स्वयंवर में जब वो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने गए थे, तब उनके शक्ति से शिव धनुष टूट गया था। ऐसा कोई अस्त्र नहीं था जो श्रीराम के पास नहीं था। जब समुद्र ने लंका जाने के लिए श्रीराम को मार्ग नहीं दिया, तब उन्होंने अपने बाणों से ही समुद्र को सुखाने का विचार किया। श्रीराम को धनुष में बाण का संधान करते देख समुद्र भी भयभीत होकर उनके सामने प्रकट हो गया था। श्रीराम ने अपने बाणों से कुंभकर्ण और रावण जैसे ना जाने कितने राक्षसों को यमलोक में भेज दिया था। नंबर 1 पर है देवों के देव महादेव। संपूर्ण ब्रह्मांड और धनुर्वेद की सृष्टि महादेव से ही हुआ है। वो ही इस सृष्टि की शुरुआत है और वो ही इसका अंत है। उनकी शक्ति अनंत है। वो पल भर में किसी का भी विनाश कर सकते हैं, इसलिए वो ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। आपके अनुसार सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन थे, कमेंट करके जरूर बताना।